नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक शिल्पा शेट्टी अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। शिल्पा शेट्टी दोनों ही चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। वहीं एक्ट्रेस की बहन शमिता शेट्टी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 9 फिल्में की हैं। ज़्यादातर फिल्में शमिता की बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही हुई। शरारा गाने से पॉपुलर हुई शमिता एक बेहतरीन डांसर भी हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ में अभी तक कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। शमिता शेट्टी ज़्यादा चर्चा में तब आई जब उन्होंने बिग बॉस 15 में एंट्री की। साथ ही सीजन में वह राकेश बापट के प्यार में पड़ गई। शमिता और राकेश की जोड़ी को फैंस भी काफ़ी पसंद करने लगे थे, लेकिन घर से बाहर आकर शमिता का रिश्ता इस एक्टर के साथ भी नहीं टिक पाया। अब तक एक्ट्रेस सिंगल कुंवारी हैं। इससे पहले भी शमिता का कई लोगों के साथ रिश्ता रहा है, लेकिन आज तक उनकी लाइफ में कोई लंबे समय तक नहीं रहा। बता दें कि शमिता शेट्टी का नाम मनोज बाजपेयी के साथ भी जुड़ चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोज से शादी ना हो पाने की वजह से भी शमिता ने आज तक किसी और से शादी नहीं की। इसके अलावा हरमन बावेजा के साथ भी शमिता लंबे समय तक रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। साथ ही उदय चोपड़ा के साथ भी एक्ट्रेस का नाम जुड़ चुका है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।